मेरे पास कौन ही है ना, ये भी नहीं मेरे पास, ये 1 week later. दिन हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, ये थोड़ा पेन हो रहा था सांस लेने में। मैंने आपके स्कैन्स देखे और अनफॉर्चुनेटली सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आप रिसेप्शन पे पेमेंट करा के ऑपरेशन की डेट ले लीजिए। कितना खर्चा आ जाएगा? समवेयर अराउंड 2.5 लाख। तो कैसे हैं आप सब? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैंने वो प्लानिंग कर रखी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझेंगे, उसके फायदे नुकसान समझेंगे, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करना समझेंगे, ताकि आपके साथ वो सिचुएशन ना हो जो मेरे साथ वीडियो की स्टार्टिंग में हुई। चलिए चिम्प्लोक में। पहले कभी अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। ये एक टाइप की पॉलिसी होती है जो अलग अलग कंपनियाँ इशू करती हैं, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ के साथ, जिसमें एक पहले से डिसाइडेड हुआ अमाउंट मेंशन होता है। आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से किसी एक कंपनी की किसी एक पॉलिसी को खरीदते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपको अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े, वो कंपनी उस पहले से डिसाइडेड हुए अमाउंट में से पे कर दे। और अगर आपको साल भर कुछ नहीं होता तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, वो उस कंपनी के पास ही रह जाएगा। ये एक टाइप का रिस्क कवर है, इसे हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। ज्यादातर समय ये इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, और जो पैसा आप पे करते हो इसे खरीदने के लिए उसे प्रीमियम कहा जाता है। बताओ, नाम तक में महंगाई घुसी हुई है। ये सवाल ही गलत है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल ज़रूरत है एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस की, और अगर आप अर्न करते हो तो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो, क्योंकि कितना भी SIP कर लो, म्यूचुअल फंड्स कर लो, शेयर्स खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, एक बीमारी और ये सब कुछ गायब हो सकता है। ये एक हार्श रियलिटी है। सो बिल्कुल आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से अतरंगी नाम दे देती हैं, बट बेस लेवल पे ये 3 से 4 टाइप का ही होता है। पहला, इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। इसमें एक आदमी के लिए प्रीमियम भरा जाता है, वो आप भी हो सकते हो और आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है। साल भर में अगर उस इंसान के ऊपर कोई भी मेडिकल एक्सपेंस होता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कोई बीमारी आती है, तो वो सारी चीजें इस ही इंश्योरेंस से कवर होंगी उस अकेले आदमी के लिए। दूसरा है फैमिली हेल्थ प्लान। इसमें आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो अपनी पूरी फैमिली के लिए। सपोज आपने 5 लाख का हेल्थ प्लान लिया और आपकी फैमिली में 5 लोग हैं। आपने इस 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 15,000 रुपए दिए, तो अब फैमिली के पूरे 5 लोगों को 5 लाख का ही कवर मिलेगा। सपोज कोई एक बीमार हो गया और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस पे 4 लाख रुपए खर्च हो गए, और उसी साल एक दूसरा फैमिली मेंबर भी बीमार होता है, तो उसके मेडिकल एक्सपेंस के लिए आपको सिर्फ का मैक्सिमम कवर मिलेगा। सो ये वाला प्लान ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है। तीसरा होता है ग्रुप हेल्थ प्लान, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं। अगर आप एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी कंपनी ने आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लिया होगा, वो सब इसी में कवर होता है। तो इससे हमें इंडिविजुअल लोगों को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और एक और देखने मिलता है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ प्लान, जिसमें पहले से डिसाइडेड होता है कि किन डिजीज या किन इलनेस के लिए ही इस प्लान को यूज़ किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कम पैसों में ज़्यादा मेडिकल कवर मिलता है, बट ये ज़्यादा इलनेस कवर नहीं करते, ये इसका डाउन साइड है। अब हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लोगे, पर किस चीज के लिए आप क्लेम ले सकते हो वो समझते हैं। एक होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, मतलब कि अगर किसी केस की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और बाद के खर्च, उसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, वो सारे चार्जेस इसमें कवर होते हैं। यहाँ पे मैं किसी इंडिविजुअल प्लान की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं जनरल पॉइंट्स दे रहा हूँ जो कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस में देख सकते हैं कि उसमें ये सारी चीजें हैं या नहीं। सर्जरी या अदर इलनेस, मतलब सर्दी खांसी से लेके ओपन हार्ट सर्जरी तक, इन सब के खर्चे, एम्बुलेंस के चार्जेस, दवाइयों के, हॉस्पिटल रूम के, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार बहुत क्लियरली मेंशन नहीं होता बट कहीं पे छोटा सा लिख देते हैं जहाँ पे ये बताते हैं कि हम हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड सभी चीज़ों का पैसा देंगे एक्सेप्ट फॉर हॉस्पिटल के रूम रेंट का, जो कि कई बार काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप इस चीज़ पे स्पेशल ध्यान और स्पेशल क्लैरिटी ज़रूर लेना और बहुत ही क्लियरली बीमारियों की लिस्ट ज़रूर पढ़ना, क्योंकि कई बार कुछ मेजर बीमारियां कंपनी कवर नहीं करती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना पूरा वेस्ट जाता है। आजकल ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में बाय डिफ़ॉल्ट जो कवर आता है वो 5 लाख का आता है, जो कि एक नॉर्मल फिट आदमी के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में एक स्पेशल फीचर होता है जिसे नो क्लेम बोनस कहते हैं। यानी अगर आप एक साल भर में अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं क्लेम करते हो, आप उसमें से कोई पैसा नहीं लेते हो, तो अगले साल या तो आपकी प्रीमियम को कम कर दिया जाता है या फिर आपका कवर डबल कर दिया जाएगा। इसीलिए 5 लाख का कवर इज सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। इंडिविजुअल प्लान ही लो रादर गोइंग फॉर अ फैमिली प्लान, क्योंकि ये प्लान आपको ढंग से कवर भी करेगा और अगर एक साल में 2 फैमिली मेंबर्स को जरूरत पड़ी तो उन दोनों के लिए सफिशिएंट कवर रहेगा। क्रिटिकल इलनेस मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अनलेस अंटिल आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी एक मेजर बीमारी की। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस लेते समय एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर ऐड कर लो, ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और ज़रूरत के टाइम पे आपको कवर काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, जो कि इस केस में नहीं मिलेगा और वो क्रिटिकल इलनेस के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 2 तरीके से क्लेम मिलता है। पहला कि आप बीमार होने पे कहीं हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे अपने सारे एक्सपेंसेस करिए, खुद पे करिए, उसके बाद उन बिल्स को अपनी कंपनी को सबमिट करिए, वो कंपनी आपको रिम्बर्स कर देगी चेक करने के बाद। या फिर उन हॉस्पिटल्स में जाइए जहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है और वहाँ जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखाने के बाद डायरेक्ट कैशलेस फैसिलिटीज अवेल करिए। इसे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो कि आपकी लोकेशन पे कितने हॉस्पिटल्स हैं जो कि टाई अप है फॉर कैशलेस। ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स का कनेक्शन होना अच्छी बात है, उसी को प्रेफर करना। कई बार ऐसा होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले से कोई बीमारी या इलनेस होती है। इस तरीके की कंडीशंस में वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको उस बीमारी के लिए कवर नहीं करेगा एक पहले से डिसाइड हुए टाइम तक, उसे वेटिंग पीरियड कहते हैं। जैसे सपोज आपको स्टोन का इशू है तो कंपनी आपको पहले ही बता देगी कि फॉर एग्जाम्पल 2 साल के लिए हम आपको स्टोन पे कवर नहीं करेंगे, 2 साल के बाद अगर आपको स्टोन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है आप इस हेल्थ इंश्योरेंस पे कवर्ड रहोगे। सो ये वेटिंग पीरियड अपनी बीमारी के लिए चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में देना। और ये एक बोनस पॉइंट है पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरा डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन, एक एक वर्ड टू वर्ड अच्छे से टाइम लो, 2-4 दिन 5 दिन लेके पूरा डॉक्यूमेंट वर्ड टू वर्ड पढ़ना, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी हेल्थ का सवाल है। सो हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना, कोई क्लैरिटी चाहिए होगी अपने एजेंट को या कंपनी को कॉल करके उस पर क्लैरिटी लेना, हर चीज़ पर क्लैरिटी होने के बाद ही एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना। और किसी के भी कहने पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस मत ले लेना, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग सिचुएशन होती है, तो सेम हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए सूट नहीं करेगा। हाँ, पूरा पैसा भरने के बाद भी अगर आप बीमार पड़ते हो सकता है कि आपको कंपनी क्लेम देने से मना कर दे। वो क्यों हो सकता है, उसके मल्टीपल रीजंस है बट मैक्सिमम टाइम्स जो क्लेम रिजेक्ट होता है उसके पीछे एक कारण ये होता है कि लोग अपनी बीमारी छुपा लेते हैं ताकि उनका प्रीमियम कम पड़े। ऐसी सिचुएशंस में जब क्लेम की बारी आएगी कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, तो प्रीमियम बचाने के चक्कर में मत पड़ना, पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी को जरूर देना अपनी बीमारियों की। दूसरा रीजन वही होता है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि आप डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं पढ़ते हो। सो उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ के समझ लेना, तो आपको क्लैरिटी रहेगी और ऐसे में आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं हो इस सब चीज़ों से तो वीडियो के स्टार्ट से आप यही सोच रहे होगे कि पड़ेगा कितने का, मिलेगा कितने का ये हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर मैं एक जनरल आइडिया दूं, अगर आप एक हेल्दी यंग अडल्ट हो 20 से 35 साल की एज के बीच में और आप 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो विद ऑल द नेसेसरी फैसिलिटी जो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस साल भर का 8 से 10 हज़ार के बीच में पड़ जाएगा एक अच्छी कंपनी का। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, आपकी एज ज़्यादा है और आपको कुछ जनरल बीमारियाँ हैं और आप 5 लाख का कवर चाहते हैं विद ऑल ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज, तो ये कवर आपको कुछ 15, 20, 22 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा। ठीक है यार, तो इतना था इस हफ्ते की वीडियो के लिए। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। कुछ अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना अगर लेना होगा तो। और चिम्प्लोक की नई सीरीज स्कैम समझेगा पहला एपिसोड अब लाइव है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वीडियो यहाँ भी आ गई होगी, देख लेना, मजा आएगा। हर महीने हम प्लान कर रहे हैं कि एक एक एपिसोड डालें। अगर आपको जल्दी जल्दी एपिसोड चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।